नमस्कार दोस्तों, आर्यस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में स्लीव डिजाइन बनाना बताएंगे। 8.5 इंच की हमने लंबाई ले ली है। अब जो एक्स्ट्रा था उसको निकाल देना है। अब यहाँ से 3 इंच लेंगे, 3 इंच पर आर्मोर का निशान कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से काटना है। तो इस तरह हमें पहले सिंपल स्लीव कट करनी है। ये लाइनिंग वाले कपड़े पर कट किया, अब कपड़े पर रखते हुए इसे कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद अब दोनों पर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह दोनों पर सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद डिजाइंस के लिए कट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह सिलाई लगा ली है। उसके बाद सीधी बराबर से मुड़ते हुए एक लाइनिंग कर ली है। अब हमें डिजाइंस के लिए कट करना है। तो बुकरम पर कट करेंगे, 7 इंच लेंगे, आधा इंच ऊपर और नीचे छोड़ना है। उसके बाद 7 इंच आएगा, तो 7 इंच पर 2-2 इंच का कट रखेंगे इस तरह से। बीच में थोड़ा सा गैप देंगे, तो इस तरह निशान हमें कर लेना है। 3 डिजाइंस इस तरह से रहेगी। तो तीनों का निशान हमने बिल्कुल बराबर से 2-2 इंच पर ये किया है और बीच में थोड़ा गैप दे दिया है। वहाँ से पट्टी कट होगी बाद में। अब देखिए इस तरह कपड़े पर रखते हुए पर सीधी सिलाई एक डाल लेनी है। तो ये हमने डाल लिया। अब इसको फैलाना है और यहाँ से मिलाकर रखेंगे। ऊपर आधा इंच छोड़ेंगे और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। जहाँ से निशान किया है बिल्कुल वहीं से सिलाई इस तरह लगा लेनी है। तो हमने सिलाई लगा ली है। अब इस तरह इसको कट करना है। तो ये कट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए 4 कट लगेंगे, चारों तरफ से लगा दिया। अब यहाँ से पट्टी कट कर लेंगे और इस तरह इसको पलट लेंगे। इसी तरह ये दोनों भी कट करके पलट लेना है। ये देखिए तीनों डिजाइन हमने इस तरह से तैयार की। अब इस पर जो डिजाइन रहेगी उसे तैयार करने के लिए इस तरह सीधा कपड़ा लिया है, इस पर हमने सिलाई डाल दी। अब सिलाई डालने के बाद इसे पलट कर सीधा कर लेना है। अब यहाँ पर 3 या 3.5 इंच का कट कर लेना है और ये वाला 2 इंच का, 2 इंच की पट्टी, 2 इंच की जो ली है उसको इस तरह से बनाना है। दोनों को इस तरह क्रॉस करते हुए रखेंगे और फिर इस तरह से देखिए बांध लेंगे इसको धागे से, ऊपर वाली पट्टी को फिर नीचे वाली को भी। अब यहाँ से नीचे वाली बांध लेना है। तो ये बांधने के बाद हमें एक मोती लगा देना है ऊपर से। अब देखिए ये ब्लैक वाली पट्टी लेनी है, इसको भी क्रॉस करते हुए लेंगे और इसके ऊपर इसको रखकर यहाँ पर पकड़ कर सिलाई लगा देना है। फिर उल्टी वाली साइड इस तरह इसको मोड़ते हुए यहाँ पर चारों को पकड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब ऐसे इस तरह सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह हमें डिजाइनें तैयार करनी है। 3 लेनी है, 2 हमने और बना लिया इसी तरह से। अब देखिए इस तरह लगेगी। ये जो काट लिया है इसके नीचे से रखेंगे और बराबर से फैला लेंगे चारों तरफ से और इस तरह सिलाई लगाएंगे।
तो ये हमने लगा लिया। इसे लगाने के बाद अब नीचे इस पर फ्रिल रखेंगे, तो फ्रिल पट्टी लेंगे और इस तरह से फ्रिल बना लेना है और फिर इस पर लगा देना है। 1.5 इंच की रखेंगे और 1.5 इंच से हमने थोड़ा ज़्यादा ली है। इस तरफ एक तरफ से इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगाना है। अब इस तरह हमें फ्रिल बना लेनी है छोटी छोटी चुन्नटें देते हुए। देखिए इस तरह बाहर ही बना लेंगे, उसके बाद इस पर लगा देंगे। तो इस तरह आप देखिए फ्रिल को लगा देना है। तो ये हमने फ्रिल लगा ली है। अब हमें लेस लगाना है, पतला लेस लेकर इस तरह से लगा देंगे। पूरे पर अब हमें इसी तरह से लगा देना है। ये लगाने के बाद डिजाइन हमारा तैयार हो जाएगा। तो डिजाइंस बनके तैयार हुआ। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिजाइन के साथ। धन्यवाद।